सो टुडे वी विल डू बाजार की रूह का अनबॉक्सिंग। सीधे बैठो, साइड हो, चलो ठीक है। पहले पहले आप निकालो ग्रुप, क्या निकल रहा है इसमें से? व्हाइट सॉस। ओके, सो इट इज व्हाइट सॉस पास्ता। पास्ता बना है? नहीं, पास्ता ये रहा नहीं जाता। पास्ता बेइज्जती कर दी, तो ठीक है पास्ता हम बात के लिए रख देते हैं। नाउ योर टर्न। ओ ढाबा दादा, ढाबेदार, इसलिए बोलती हूँ रीडिंग किया करो। ढाबेदार पराठा मसाला, इसके आगे हम आलू के पराठे बनाएंगे। तो यार मेरे को बताना चाहिए था कि सबके घर पे आज, मैंने बताया तो था कि आज हम पराठा पार्टी करेंगे, सब घर पे पराठे खा के आए। ओके, सो इसके में देखो क्या निकला है। इट इज ट्विस्टेड तंदूरी मखाना। इसको हम टेस्ट करते हैं, खोलो। मखाने निकालो, टेस्ट करो, पूरे हाथ में निकालो। वैसे चार दाने ही बचे क्योंकि मैं ऑलरेडी चख चुकी हूँ। एक एक ले लो। टेस्ट कैसा है? सच में बोलो तो ही बताना, ठीक है? बोल मम्मी। नहीं नहीं शर्म करो, भगवान से डरो। अरे इतने देर हो गए इस पैकेट को तो तड़प ही ऐसी है ना। जेस्टी पेरी पेरी मखाना। ओके, सो दिस इज आल्सो जेस्टी पेरी पेरी मखाना। इसमें भी हर एक के लिए एक एक दाना है। चलो ऐसा करें, आप ही लोग मिलिए, बचेगा भी चार ही दाने। चलो लो चार दाने भी नहीं है। इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट, क्योंकि इतने अच्छे से मैं खा गई नहीं है, बट फिर मैंने आप लोगों का ख्याल रखते हुए दो आप लोगों की फेवरेट चीज रखी है, विच आर दीज। ये इनकी तरफ से थैंक यू नोट आया था। एंड पॉपकॉर्न खाने का किसका मन है? मेरा। थोड़ा जोश के साथ बोलो, मेरा। तो दीज आर पुदीना पॉपकॉर्न एंड पेरी पेरी पॉपकॉर्न। तो हम ये दोनों चीजें बनाएंगे। इसके साथ एक हेल्दी चॉकलेट आई थी, वो अंदर से पैकेट खाली निकला। खोपड़ी तोड़ खाली निकला, हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें एक और चीज, एक मिनट, इतना ध्यान से तो ये किताब को भी नहीं पढ़ता जितना ये रैपर देख रहा है। तंदूरी तड़का मसाला हर चीज के अंदर। तड़प ही ऐसी है ना। ये है तंदूरी तड़का और इसकी हम सब्जी, पनीर की सब्जी खाओगे वो बना दो। वो क्या होता है? अरे पनीर की सब्जी। तो ठीक है, इसकी अनबॉक्सिंग होगी। अब पॉपकॉर्न बनाते हैं, अनबॉक्सिंग पहले से ही होगी। चलो ठीक है, हम ये बनाते हैं उसके बाद इसका रिव्यू। रुको जरा, सबर करो। मैं एक खा के आया था, दो खाता। इसे लगता है पता थी कि यहाँ पे सारी अनबॉक्सिंग हो रखी है, कुछ खाने को मिलेगा नहीं। चेयर
नेक्स्ट किलो में लेके आ रही हूँ। गाइस ट्राई दिस कैसा है? मैम ये रियल रीडिंग कर रहे हैं, चेक नहीं बोल रहे, फिर बोल रहे हैं, फिर मेरे किंग को मार कर। मैम से पूछिए चेक हो रहा कि नहीं, खराब नहीं हो रहा। पहले टेस्ट तो बताओ कैसा है। मैम सब सही है ना, ये पुदीना है और ये पेरी पेरी है। देखिए पेरी पुदीना इज बेटर, पेरी पेरी इज बेटर। ओके 1 फॉर पेरी पेरी 1 फॉर पुदीना। What's your choice, Ayansh? Both are nice. Both are nice. Okay. Okay. So you also like pudina. Both are nice. Okay. Okay. Nice. So basically, अभी तो pudina is winning. चलो, you guys enjoy. तब तक परांठे भी आ रहे हैं. So basically, I like both the flavors of popcorn. लेकिन इसके जो kernels थे वो अच्छे से pop नहीं हुए. So that's I think उसमें जो ध्यान देना चाहिए. Otherwise, it's good. पापा पराठा कैसा लगा? लस्सी पीते हो ना? आ जाओ साथ में। Cheers। आज खा रहा हूँ पर पहली बार। अव्यांश पराठा कैसा लगा? बहुत अच्छा। ध्रुव पराठा कैसा लगा? पराठा बहुत अच्छा है, लेकिन टेढ़ा है। अबे साले। जयेश कैसा लगा पराठा? पराठा अच्छा लगा, शेर में थोड़ा गड़बड़ है। हंस दे चेहरे वाला मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तो यार खाने से मतलब रखो, अंदर जाके तो टेढ़ा मेढ़ा ही होना है अव्यांश। उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। पराठा तो बहुत अच्छा है, पर पर्पल है। इट इज बीट रूट पराठा। दैट्स व्हाई इट्स रेड। नहीं नहीं, चलो चीयर्स। चलो खा के बताओ कैसा लगा। इट्स रियली गुड, इट्स वेरी गुड। ओए सच में झूठे? बड़ा बाइट लो, वो पहले कड़वा है, अंदर से देखो मीठा है। देखो अंदर से मैंगो का, उसका ऑरेंज का टेस्ट है। झूठ कितना झूठ है। सच में टेस्टी है, कितना डेकेडेंट बस इसके बाद तो हमने ढेर सारी मस्ती की, गेम्स खेले, रील्स बनाई और बहुत सारी रील्स बनाई जो कि हम इंस्टा एंड यूट्यूब पे बहुत जल्द अपलोड करेंगे। सो या चिड़िया और तोता और मैना और लेट्स डू लेमन चैलेंज, इसमें हमें एक्सप्रेशन नहीं देने। अभी इधर आ। ओ हेलो फैम, सो फाइनली यार पार्टी इज़ ओवर। और बेसिकली देखा जाए तो ये पार्टी ना बाजार की रूह से ही स्पॉन्सर्ड थी। लाइक हमने सब कुछ उनका ही बना के खाया एंड सब कुछ क्लीनिंग हो गई है। बस ये टेबल पे मैंने एक बार दोबारा बताने के लिए कि मेरा जेन्युइन रिव्यू क्या था इनके प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे इसमें जो दो मखाने थे ना, मखानों का टेस्ट तो अच्छा था, बच्चों को भी अच्छा लगा। बट अभी शायद वेदर ऐसा है तो थोड़ा सॉगीनेस था उसमें। बट ऐसा ना दूसरी ब्रांड्स के साथ भी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया कि मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया था माइक्रोवेव में और फिर खाया। बहुत अच्छा सटल टेस्ट था, यमी था और हेल्दी तो था ही। बस ये है कि ये इतना लिप स्मैकिंग था कि आज बच्चों के साथ अनबॉक्सिंग करनी थी, उससे पहले ही मैं कर चुकी थी और मैं
बहुत ज़्यादा खा भी चुकी थी, मतलब मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। उसके बाद ये जो पीनट्स भी हैं ये बहुत स्वाद थे, इसको ना मैंने पोहों के ऊपर डेकोरेट करके खाने का सोचा था, पर ये भी इतने अच्छे थे कि मैं पूरा एक बार में ही 100 ग्राम खा गई, सो सॉरी फॉर दैट। और सबसे बेस्ट, मेरे पास 9 आइटम्स आए थे, सबसे बेस्ट था ये मैंने सबसे पहले खोला था एंड यू कैन सी मैंने सफ़ा चट करके खाया इसे। और बच्चों के लिए कुछ डेजर्ट में रखना था और इतना ही हेल्दी रखना था, तो मैंने थोड़ा इंस्पिरेशन लेके कुछ बनाने की कोशिश की है। सी दिस इज़ द जार, इसमें मैंने रिफाइंड नहीं, प्योर जो ककाओ पाउडर होता है वो डेट्स के साथ डाल के, आलमंड का पाउडर एंड मैंने ऑरेंज जैम बनाया था वो डाला है इसमें, और क्या डाला था, सिनेमन पाउडर, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट। ये इतना मस्त लगा सब बच्चों को सिवाय अयांश के, क्योंकि ये ऊपर से थोड़ा कड़वा लगता है क्योंकि ये प्योर चॉकलेट है, अंदर से इट इज़ स्वीट एंड मस्त। पराठे सबको बहुत अच्छे लगे एंड ये वाइट सॉस पास्ता है ये अभी मैंने ट्राई नहीं किया, और ये तंदूरी तड़का भी ट्राई नहीं किया, तो जब भी मैं ट्राई करूँगी इसकी रेसिपी बना के वीडियो भी डालूँगी और रिव्यू भी बताऊँगी, और आप भी बताइएगा आपको कैसी लगी। सो बाय, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू।